परम छात्र छ्रीस आज आम क्लास दशम श्रेणी गणित तीन नम्बर अध्याय दूटा चलक रैक्षिक समीकरण जोर विषय आलोचना करम। इतना रैक्षिक समीकरण मानने हल तुम लोग क्लास नाइनते पाईसा जार मानने मात्रा वान अर्थात खाद वान सीट हम रैक्षिक समीकरण और दूटा चलक युक्त मानने हम एक्स वाई जो चलक थे दूटा चलक हम जो एक्स थे एट चलक हम जो वाई थी जाए चलक जीत एक्स और वाई दूटा थी गलि सीट हम दूटा चलक युक्त हम गति के आम दूटा चलक युक्त रैक्षिक समीकरण जो जो प्रामाणिक जोर आई जोर जो एने हम ए वान एक्स प्लस बी वान वाई प्लस सी वान जिरो आरु ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इजिकल जिरो यू हम दूटा चलक युक्त रैक्षिक समीकरण प्रामाणिक रूप बा प्रामाणिक जोर इते चलक एक्स वाई आसे यो एक्स वाई आसे इत ए वान हम एक्सर हक इत बी वान हम वाइर हक इत सी वान हम ध्रुवक नेक्स्ट एटूत ए टू तो हम एक्सर हक आरो बी टू तो हम वाइर हक और सी टू तो हम ध्रुवक यू हम दूटा चलक युक्त रैक्षिक समीकरण प्रामाणिक रूप बा प्रामाणिक जोर जेने जेने हम एट उदाहरण लिखो बार चाह ला टाइस एक्स प्लस फाइव वाई प्लस सिक्स इजिकल जिरो और थ्राइस एक्स प्लस फोर वाई प्लस थ्री इजुकल जिरो समीकरण दूटा लग आम समीकरण दूटा गम पाई एक्सर वाई आसे एक्सर वाई आसे गुटा चलक युक्त यारो घाट वान यारो घाट वान यारो घाट वान यारो घाट वान मैं गम पालू रैक्षिक गम पालू जो एक्स टाइस एक्स आसे जो दुटो आसे यू हम आम ए वान बुझ ए वान टू अर्थात यार एक्सर हक जो आसे ठीक सीदर बी वान मानने फाइव सी वान मानने सिक्स यू क्षेत्र ए टू मानने हम थ्री बी टू मानने हम फोर और सी टू हम आम थ्री एनेक लिखा पार अर्थात एक माति आम ए वान एक्स प्लस बी वान वाई प्लस सी वान इकुअल जिरो ये हम ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इकुअल जिरो इतना हम ए वान यू हम बी वान यू हम सी वान यू हम यू ए टू यू बी टू यू सी टू जो माइनास थी जाए जो माइनास थी जाए इतने माइनास दी लगे जी प्लास आसे गए प्लास दूँ छात्र छ्री इतना तुम लोग चुना ए वान एक्स प्लस बी वान वाई प्लस सी वान जिरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जिरो रैक्षिक समीकरण दूटार एकक अद्वितीय समाधान थको जदि ए वान ए टू नॉट इक्वल बी वान बी टू है और असीम संख्यक समाधान थको जदि ए वान ए टू इक्वल बी वान बी टू इक्वल सी वान सी टू है और समीकरण जोर कमाधान नाथके जदि ए वान ए टू इक्वल बी वान बी टू नॉट इक्वल सी वान सी टू है इतना चबा एक नम्बर जो दिया एकक अद्वित समाधान थको एक क्षेत्र आम एने लिखा पार बिंदु कटाकटी कर बिंदुत बिंदुत कटाकटी कर कटाकटी एट कटाकटी एटे शर्त और दु नम्बर जो आम शर्त असीम संख्यक समाधान थको जदि जी दी एटो एने पारि रेखा दुडाल परस्पर मिली जा परस्पर मिली जा
মিলি যাব যদি পরস্পর মিলি যাওয়া শর্ত দিয়ে তোমালে এটু লেখা লাগবে বা একটা বিন্দুত কটাকটি করলে শর্ত এটু হব আর যদি কোনো সমাধান না থাকে তাহলে রেখা দুডাল পরস্পর সমান্তরাল হব বা রেখা দুডাল পরস্পর সমান্তরাল হব সমান্তরাল হব এইখানে এটু শর্ত ছাত্র ছাত্রী সকল এক নম্বর যোন শর্ত দিছো এই ক্ষেত্রে যদি রেখাজোড়ের একক বা অদ্বিতীয় সমাধান থাকে তাক সেতু সমীকরণ যতটুক আমার সংগত বলে কোয়া হয় আর যদি অসীমক সমাধান থাকি যায় তাক পরতন্ত্র বলে কয় পরতন্ত্র কিন্তু পরতন্ত্র এটা আমার সংগত সমীকরণে হব সেই কারণে এই দুটা সমীকরণও একেলগে সংগত বলে কোয়া হব কিন্তু মো দেখা যদি এজোর বা এটা সমাধান থাকি যায় এজোর তিনি তা সংগত বলে কোয়া হব আর যদি অসীম থাকি যায় তার নাম হব তোমার পরতন্ত্র কিন্তু পরতন্ত্র আমার এটা সমীকরণ সদায় সংগত হয় আর যদি তার কোনো সমাধান না থাকে সি সদায় অসঙ্গত হব অর্থাৎ সংগত হবা লাগলে এই দুটা শর্ত মানবা লাগবে আর অসঙ্গত হলে এটুরে সমাপ্ত শর্ত।